अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं बुधवा शरीफ के सरजमी पर जहां पर आराम फरमा रहे अल्लाह के नेक वली, इनका नाम हजरत जाफर सिद्दीक बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आज इनकी बारगाह में मेरी हाजिरी हुई और आज इनका सालाना उर्स है जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इनका आज उर्स है, कितने लोग यहाँ पे चाहने वाले के आए हुए हैं। बच्चों के खेलने का झूला और बहुत सारे अखराजात यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ आराम करना, आप जो ज़ियारत कर रहे हैं ये हमारे उस्ताद मौलाना मोहम्मद अब्दुल कलीम साहब रहमतुल्लाह यहाँ आराम फरमा है, जो कि इनकी बदौलत यहाँ बुधवा के चारों तरफ इर्द गिर्द में दीन की रोशनी फैली। और मैं इनका एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ अल्लाह, और यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ मजार जाफर शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान है मुबारक, अता भी है हिजाबाना करम की गायबाना है, अता भी है हिजाबाना करम की गायबाना है, सुभान अल्लाह क्या मेरे जाफर शहीद का आस्थाना है। ये देते भी हैं दर पर्दा, ये दिलाते भी हैं बेपर्दा, अता भी है हिजाबाना करम की गायबाना है, सुभान अल्लाह क्या मेरे जाफर शहीद का आस्थाना है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हर तरफ रहमत बरस रही है और आज इनका सालाना उर्स है। क्या खूबसूरत मंजर है, आप लोग ये मंजर देख रहे हैं ये दरगाह के श्रीनी और चादर फूल बेसी के लिए यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं ये मेले का नज़ारा है। इस साल तो गर्दी बहुत कम हुई और इंशाल्लाह जो अगले मेले में होगी वो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि मेला और यहाँ पे लगता है। साल में दो मेले लगते हैं। ये बाबा जाफर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ में जो लड़े शहीद हुए उनके साथी हैं, यहाँ पे आराम फरमा है। आप लोग भी ज़ियारत कीजिए, और यहाँ से लाखों लोग फैज़याब हुए, जो भी आता है वो इनके कर्म से कोई भी मायूस नहीं जाता यहाँ से, क्योंकि ये वो अल्लाह के वली हैं जो देते भी हैं खुद और रब से भी दिला देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें वो पावर अता किया है कि जो चाहें वो उसे अता कर दें। आप देख रहे हैं कितने हाजरीन यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे हर साल एक छोटा सा प्रोग्राम भी होता रहता है, उस तरफ प्रोग्राम भी हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है ये लोग ज़ियारत कीजिए दरगाह शरीफ, मेरी हाजिरी हुई, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जाफर शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक मैंने कदम बोसी की। और अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि वलियों की निस्बत
वलियों की मोहब्बत हम सब के दिलों में कायम व दायम रहे। इंशाल्लाह मैं फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगा और देखते रहिए हमारी वीडियो। ये देखिए यहाँ अभी चादर पेशी की गई, यहाँ पे चादर इन्होंने ओढ़ाया। ये अल्लाह के वलियों की एक निशानी है जो कि इनकी मज़ार शरीफ पे एक चादर डाली जाती है। वो आँखें बहुत खुश नसीब हैं जो अल्लाह के वली के रोज़े की ज़ियारत कर रही हैं। मैंने भी ज़ियारत करके शर्फ हासिल किया। यहाँ हिंदू मुसलमान सब कदम बोसी को आते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान सब कदम बोसी को आते हैं। एक सिर्फ मैं ही नहीं यहाँ झुकता जमाना है, सुभान अल्लाह क्या मेरे जाफर शहीद का आस्ताना है। देखिए यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और बाबा जाफर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कदम बोसी करके वो अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह के वली आप दुआ करें हम सब की बिगड़ी हुई मुराद पूरी हो। यहाँ अल्लाह के वली आराम फरमा है। ये बाबा जाफर शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले बाबा जाफर शहीद के साथ में शहीद किए गए। अल्लाह ने इन्हें वो मकाम बख्शा है कि आज इनके ज़रिए से हम सभी फैज़याब होते हैं और इंशाल्लाह ता कयामत तक इन्हीं की बदौलत हम सब फैज़याब होते रहेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारी दूसरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और मैं दूसरी वीडियो आप सभी तक पहुंचा सकूं। और ये देख रहे हैं आप इस तरह यहाँ ये कुछ कार्यक्रम किया गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कव्वाली चल रही है, यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है। तो ये गर्दी ज़्यादा होने की वजह से मैं वहाँ तक तो नहीं जा सकता, पर मैं आप लोगों को ये पावर अल्लाह के वलियों की कि इतने यहाँ पे लोग आए हुए, मैं ये बस दिखाना चाहता था कि आप लोग देखो और ये अल्लाह के वलियों की एहसान है। यहाँ दूर दराज से लोग खींचे चले आते हैं और
मुंह मांगी, यहाँ से दुआएं पाते हैं लोग।